नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, आपका चेहरा मुस्कुराता रहे। आज का जो विषय है वो 70% उस यूथ जो हमारा युवा है उससे गुजर रहा है। इवन हर फैमिली ही उससे गुजर रही है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं थोड़ा बहुत वही बचे हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है देर रात खाने की लत। कुछ लोगों को मैंने अक्सर सुना है वो ये कहते हैं कि हमें डिनर के बाद रात को कभी भी भूख लग जाती है और भूख लगने पे वो कुछ भी खा लेते हैं। जब आप कुछ भी खा लोगे तो बहुत कुछ बीमारियां आपके अंदर आ जाएंगी, आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपकी बॉडी भारी भारी सी होने लगेगी, सर दर्द, पेट दर्द, कब्ज़, गैस, एसिड रिफ्लेक्शन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आ जाएंगी। तो आज मेरा विषय यही है कि देर रात हम अगर भूख लग भी गई है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये मेन पॉइंट है, ये हमारा टॉपिक है। देखो पहली बात, आजकल क्या हो रहा है, स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, जब से ये होम डिलीवरी का ज़माना आया है आप लोगों ने सब कुछ अपने घर पे मंगाया है। अब सारी चीज़ इजीली आपको घर पे मिल रही है। अब उसमें सबसे ज़्यादा आप क्या मंगाते हो, सोया चाप मंगाते हो, चिल्ली पटेटो, मैक्रोनी और आपका ये तंदूरी रोटी, शाही पनीर, मटर पनीर, चिकन वाला वाला बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ को मने, ये सारी तली भुली चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट आप ये डाल लीजिए, अगर रात को आप ऐसी कोई भी चीज़ खा रहे हो, आपको अभी पता नहीं लग रहा लेकिन जब आप 30 ईयर क्रॉस करते हो आपका वेट गेन होगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ेगा और बीमारियाँ आपको जकड़ेंगी और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है युवाओं में इस समय। अगर आप जोमेटो स्विगी का इस खाने के लिए प्रयोग कर रहे हो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये मैं नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सत्य है। वो तो आपको डिलीवरी का काम कर रही है लेकिन आप खा रहे हो, ये गलती आपकी उनकी नहीं है। तो पहला पॉइंट, अगर आपको आदत है डोमिनोज से रात को पिज़्ज़ा खाने की या फिर आपको बर्गर खा रहे हो बर्गर किंग पे जाके, गलत है। रात को आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है दोस्तों। अगर आप मधुमक्खी जी थोड़ा दूर हो जाओ मधुमक्खी आगे पार के बैठा हुआ हूँ। तो अगर आपको लत है कि आपको भूख ही लग रही है और आपको पिज़्ज़ा ही खाना है और आपको बर्गर ही खाना है, एक छोटा सा काम करें, आप मार्केट से ब्राउन ब्रेड खरीद के लेकर आएँ और ब्राउन ब्रेड का आप पिज़्ज़ा बना सकते हो छोटा सा, या ब्राउन ब्रेड का आप सैंडविच बना सकते हो जिसमें आप खीरा, जिसके अंदर आप थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर मिलाएगी और आप उसको बना के खा ली, थोड़ा सा बटर भी लगा लें, थोड़ा सा ओनली टेस्ट के लिए। तो पहला तो आपका ये एक तो बता दिया क्या नहीं खाना, उसकी जगह आप क्या खा सकते हो। लेकिन इसके अंदर में एक मेयोनी होता है, मेयोनी के अंदर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे प्लीज़ अवॉइड करें, वो मत खाएं। अब पॉइंट नंबर टू, अगर आपने पिज़्ज़ा का शौकीन नहीं था, अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, रात को चॉकलेट खाते हैं, देखो कई जगह चॉकलेट को खाना अच्छा बताया जाता है और कई जगह चॉकलेट को खाना बेकार बताया जाता है। आज मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में। चॉकलेट अच्छी होती है मगर वो अपनी सात्विक फॉर्म में हो, जो अपनी प्योर फॉर्म में हो। अगर चॉकलेट बिना फॉर्म की मिल रही है आपको अपनी उसमें जो मार्केट में मिल रही है चॉकलेट, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग किया जाता है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं, चीनी डाली जाती है, सुक्रोज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केमिकल का यूज़ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट लेवल उसका बढ़ जाता है। अगर आपको चॉकलेट खाने का मन है तो उसके लिए आप दूसरी चीज़ खा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ क्या खा सकते हो आप। थोड़े से आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, आप सूजी का हलवा खा सकते हैं, आप फ्रूट सैलेड्स खा सकते हैं चॉकलेट के कंपैरिजन में। तो
रात को चॉकलेट भी नहीं खानी है। अब पॉइंट नंबर 3, बहुत लोगों को आदत होती है रात को इंस्टेंट फूड बनाने वाली, जिसमें हमारी मैगी नंबर 1 है, नूडल्स हो गए, नहीं तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है मुगल, इसी खाते हो। और आजकल तो बड़ी फॉर्म आ गई है आटे की, लेकिन ये सब रात को अवॉइड करनी चाहिए। आप कहोगे भाई ये कैसी बात कर रहे हो, भैया सेम प्रॉब्लम है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा, वेट लॉस कम नहीं होगा, वेट बढ़ेगा, बॉडी के अंदर में आपका हार्मोन प्रॉब्लम होगा होगा, आपका लीवर में प्रॉब्लम आएगा। अब लीवर में डिस्ट्रक्शन होगा तो आपको क्या होगा, हार्ट बर्निंग होगा, एसिड रिफ्लेक्शन होता है ना सुबह सुबह, तोंद, आजकल आदमियों की तोंद फीमेल की तरह होती जा रही है, वो 8-8 महीने के गर्भ लेके घूम रहे हो आप लोग, आपको शर्म तो आ नहीं रही है, शान समझते हो, अरे खाए पिए का शरीर ऐसा बोलते हो आप, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपकी अपनी जीवा पे कंट्रोल नहीं है, आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। अपने पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नूडल्स आप खा रहे थे तो उसके लिए आप इंस्टेंट फूड खा रहे थे, तो आपको उसके लिए खाना है ओट्स खाने हैं। ओट्स में आप थोड़ा सा उसको हल्का सा फ्राई कर ले, थोड़ा सा घी में, और उसके बाद उसके अंदर में हल्की सी काली मिर्च, दालचीनी आप डालिए, तो ओट्स एज़ कम्पेयर टू मैक्रोनी या चाउमीन के लिए बेटर ऑप्शन है, राइट। अब पॉइंट नंबर 3, बहुत लोगों की आदत होती है आइसक्रीम खाने की रात को। देखो दोस्तों, आइसक्रीम के अंदर में फैट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, आइसक्रीम रात के समय खाने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पहले आपकी बॉडी में शिवरिंग की प्रॉब्लम आती है जब आप 40 क्रॉस करते हो, ये याद रखिएगा। तो प्लीज़ आइसक्रीम रात को मत खाएं। अब आइसक्रीम की जगह आप क्या खाएं ये भी आपको बता दूं, सबसे बढ़िया ऑप्शन है ठंडी दही खा लो थोड़ी सी, अगर ज़्यादा अच्छा कर रही है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, योगर्ट खा लो, सबसे बढ़िया प्रोटीन अच्छा मिल जाता है उसके अंदर में, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो नीड होता है वो ठीक हो जाती है। आइसक्रीम में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, अब इतना तो वर्कआउट आप करते ही नहीं, आप कैलोरीज ख़त्म कर पाओगे, तो प्लीज़ अवॉइड आइसक्रीम, ठीक है। ये 4 चीज़ होगी, एक 5वीं चीज़ और इम्पोर्टेंट आती है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कुकीज़ खाने की, चिप्स हो गए, नमकीन हो गई, भुजिया हो गई, और बनिए तो खासकर खाते हैं जी, मैं बनिया इसलिए कह रहा हूँ, मेरी क्लास में सारे बच्चे बनिया आते ना, वो यही चीज़ बताते हैं, हम ये खाते हैं, बट मोस्टली आप लोग यही चीज़ खा रहे हैं जिसमें आप चटपटा सामान ज़्यादा खा रहे हैं, चिप्सें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जो बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। सबसे बड़ी समस्या कॉन्स्टिपेशन होगा, दूसरी समस्या हार्ट बर्निंग होगी, आपके पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे अगर आप फीमेल हैं तो। ये गलत खाना मत खाइए आप, ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब इसके ऑप्शन में आपको क्या खाना है, बड़ा सिंपल काम करना है आपको, आपको अगर ज़्यादा ही मिर्च मसाले खाने की आदत है तो आप खा सकते हैं पॉपकॉर्न, और वो भी कोसे वाले, सिंपल वाले पॉपकॉर्न खाने हैं, मक्के के दाने, फुल्ले बोलते हैं जिसको, लेकिन आजकल तो वो भी बटर वाले अलग आ गए हैं, चीज़ वाले अलग आ गए हैं, प्लीज़ वो मत खाना, वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब होंगे। तो दोस्तों आप समझ गए क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। रात को भूख लग रही है तो आप इन चीज़ों का सेवन करें, इनका सेवन ना करें। और एक और बात, अगर ज़्यादा जीना चाहते हो, ज़्यादा हेल्थी रहना चाहते हो, रात के टाइम खाना कम से कम खाओ। जितना खाना आप कम से कम खाओगे तो आपका लीवर उतना अच्छा काम करेगा, राइट है ना। देखो बीमार कौन पड़ता है, जो ज़्यादा खाते हैं, मजदूर इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ता क्योंकि वो अब मेहनत ज़्यादा करता है और क्या करता है, खाना कम खाता है। अब वो खाना ज़्यादा भी खा ले तब भी उसको बीमारी नहीं होती क्योंकि शारीरिक परिश्रम ज़्यादा है। और हमारे साथ उल्टा क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा धन होता है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं तो बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादा पैसे होने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, आप फिज़िकली फिट नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझिए, खाना तरीके से खाएं, कम खाएं, चबा चबा के खाएं, मौसमी फलों सब्जियों का सेवन करो, और हीरा योगी चाहता है आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो,
आनंदित रहो और परमात्मा से एक ही प्रार्थना, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका सदा मंगल हो। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।